हेलो दोस्तों, मैं हूँ सेफ दीपक मीन। स्वागत है आपको आपका पसंदीदा चैनल सेफ किचन रेसिपी में। आज का रेसिपी है चिकन सिजलर रेड पेपर सॉस। जी हाँ, रेड पेपर सॉस में बनाएंगे। सबसे पहले तवा गरम करना पड़ेगा, तो तवा को मैं चूल्हा में रख दिया। फिर ब्रेस्ट पे चिकन को बीच से फाड़ के इसको फोक से छेद कर लेगा ताकि मैरिनेशन अंदर तक जाएगा। ये फोक से मैं छेद कर दे रहा हूँ, इसको मैरिनेशन अंदर तक जाएगा। इसके लिए मैरिनेशन के लिए ऑलिव ऑयल ले लिया, थाइम ले लिया, फ्रेश वाला रोजमेरी। रोजमेरी को थोड़ा मसल के देने से अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैंने मसल के डाल दिया इसमें। गार्लिक पेस्ट दिया, ब्लैक पेपर, नींबू का रस चाहिए तो नींबू का रस भी इसमें देंगे, नींबू का रस भी डाल दिया इसमें। रेड पेपर सॉस, हॉट चिल्ली सॉस, पेरी पेरी सॉस, वेस्टर सॉस, सॉल्ट, नमक स्वाद अनुसार। इसको अच्छे से मिला के इसमें राम डालना पड़े तो राम भी इसमें डाल देते हैं। राम डाल दिया इसमें, चिकन को मिक्स कर लेते हैं और इसको आधा घंटा के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। फिर एक पैन में ऑलिव ऑयल डाल लेंगे, फिर पैन में इसमें ग्रिल करेंगे इसको। इसको ग्रिल कर लेता हूँ, पकने के लिए थोड़ा सा पानी की जरूरत होगा, पानी भी डाल लेते हैं। फिर एक पैन में हम लोग अलग से तेल डाल लेंगे, इसमें एक पाउच बनाएंगे हम लोग इसका, सीलर का, उसमें एक पाउच भी जाएगा। ब्लैक पेपर डाल दिया, नमक डाल दिया इसमें, पाउच भी बन के तैयार है। अभी सौते वेजिटेबल करना है, सौते वेजिटेबल के लिए और एक पैन में हम लोग ऑयल और गार्लिक डाल लेंगे। उसके बाद में जितना भी वेजिटेबल्स है वेजिटेबल्स हम लोग डाल देंगे इसमें। डालने के बाद में इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे। इसमें ब्लैक पेपर, चिल्ली फ्लेक्स और नमक और थोड़ा बटर इसमें डाल देंगे। डाल के फिर इसको हिला के अच्छे से, ये हो गया। अभी पत्ता गोभी चाहिए तो पत्ता गोभी का पत्ता निकाल लेते हैं। इसको गर्म पानी में भिगा के फिर इसको निकाल के सिजलर सजाएंगे हम लोग। ये सिजलर हम लोग का, अभी सिजलर में जितना भी जो जो सर्व होने वाला है वो सब हम लोग डालेंगे इसमें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का जरूर दबाइएगा ताकि जितना भी नया रेसिपी आएगा सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। अभी हम लोग का सिजलर बन के तैयार है, फ्रेंच फ्राइज, गार्लिक ब्रेड, सारा कुछ हम लोग डाल दिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।